नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी फुल एक्शन में है। ड्रग्स कनेक्शन में शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अपनी कस्टडी में लेने के बाद अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। रविवार को एनसीबी ने रिया से पूछताछ की। इस दौरान रिया ने कई अहम बातों को कबूला। आज फिर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सुशांत केस में सीबीआई की तफ्तीश भी जारी है। महामारी कहर के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अचानक 11 अगस्त को ऐलान किया था कि रूस ने वायरस पर वैक्सीन बना ली है। इसके बाद पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स अचरज में पड़ गए। इस बीच रूस ने फिर खुशखबरी देते हुए बताया कि अब इसी सप्ताह यह वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रूस के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि इस हफ्ते से वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम नागरिकों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। वायरस संकट के बीच 169 दिन के बाद आज दिल्ली मेट्रो चली है। आज यानी 7 सितंबर से सिर्फ येलो लाइन शुरू हुई है। सुबह 7 बजे से हुड्डा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए मेट्रो रवाना हुई है। इससे दिल्ली वासियों को एक राहत मिली है, लेकिन इसमें भी यात्रा करने के कई नियम लागू किए गए हैं। दिल्ली में वायरस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रशासन तमाम तरह की सावधानी बरतता है। दिल्ली सरकार ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया है। तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मेट्रो का परिचालन किया गया है, जिसमें यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। भारत जब वायरस संकट जैसी महामारी से लड़ रहा है, ऐसे वक्त में सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। चीन के साथ मई से ही तनाव जारी है। इन सबके बीच सीमा पर तैनात बीएसएफ के जवान लगातार सतर्क हैं। बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना का कहना है कि जब दोनों पड़ोसी हमारे लिए खतरा बन रहे हैं, तब बीएसएफ का काम काफी अहम है। राकेश अस्थाना ने पिछले 3 दिन में एलओसी के पास सीमा इलाके का दौरा किया, साथ ही उन्होंने बॉर्डर के हालात का भी जायजा लिया। मोदी सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर चुकी है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर एक महासम्मेलन है, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी प्रदेशों के राज्यपाल और विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हुए। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोमवार को नई शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों की कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लक्ष्यों को शिक्षा नीति और व्यवस्था के जरिए ही पूरा किया जा सकता है। पीएम ने कहा कि शिक्षा नीति में सरकार का दखल कम होना चाहिए। वायरस की मार झेल रही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सोमवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। ये झटके सुबह 8 बजे महसूस किए गए। दिल्ली के अलावा चेन्नई में भी मेट्रो सेवा की शुरुआत हो गई है। महामारी के कारण 5 महीनों से मेट्रो सेवा बंद थी। आज फिर से मेट्रो के ट्रैक पर लौटने के कारण यात्री काफी खुश है। चेन्नई में सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक मेट्रो चलेगी और चेन्नई मेट्रो की ओर से 60% यात्रियों को सिंगल टोकन सर्विस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की सलाह दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस और जेडीयू आज अपने अपने बिहार मिशन का शंखनाद करेंगे। कांग्रेस बिहार में वर्चुअल रैली के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं और लोगों को साधने का काम करेगी। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया है। वहीं जेडीयू निश्चय संवाद के जरिए चुनावी शंखनाद करेगी। सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के जरिए अपने 15 साल के काम को जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। आईपीएल के 93वें सीजन का आगाज 19 सितंबर को अबू धाबी में होगा। हालांकि वायरस का साया टीमों पर मंडरा रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए वायरस आफत बनकर आया है। दिल्ली कैपिटल्स के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले उनके दोनों टेस्ट नेगेटिव आए थे, लेकिन उनकी तीसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टीम के लिए राहत की बात यह है कि वो किसी खिलाड़ी के संपर्क में नहीं थे। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के 2 खिलाड़ी समेत कई सदस्य संक्रमित पाए गए थे। डीजल की कीमतों में पिछले हफ्तों से ही गिरावट का रुख है। सोमवार को भी डीजल की कीमत में 11 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई है। इससे दिल्ली में डीजल 73.16 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हालांकि पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस गिरावट के बाद दिल्ली में पेट्रोल 82.08 रुपए और डीजल 73.16 रुपए प्रति लीटर हो गया है। श्रीलंका के पूर्व तटीय क्षेत्र के नजदीक एक तेल टैंकर में लगी आग को बुझा लिया गया है। इस घटना के तकरीबन 79 घंटों के बाद आग बुझाने में सफलता हाथ लगी। श्रीलंकाई नौसेना ने यह जानकारी दी है। नौसेना के साथ ही भारतीय तटरक्षक बल भी इस काम में जुटा हुआ था। एमटी न्यू डायमंड नाम का यह टैंकर पनामा में रजिस्टर्ड है और इसमें गुरुवार को आग लगी थी। पाकिस्तान ने भारतीय बलों पर संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने इसी आरोप में भारतीय उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया है और अपना विरोध दर्ज किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी तरफ से बयान जारी करते हुए कहा है कि शनिवार को नियंत्रण रेखा स्थित रखचिकरी सेक्टर में बिना उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी के कारण एक आम नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बयान में आरोप लगाया गया है कि भारतीय बल एलओसी और घनी आबादी वाले इलाकों को लगातार निशाना बनाते रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय राजनयिक को 2003 सीज़फ़ायर नियमों का सम्मान करने को कहा है। इसके साथ इन मामलों की जांच करने और दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की बात कही है।
देश में महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। देश में 90,802 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,016 संक्रमितों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में संक्रमितों की तादाद 42,04,614 पर पहुंच गई है। वहीं 8,82,542 एक्टिव केस हैं। महामारी के कारण अब तक 71,642 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 32,50,429 मरीज महामारी को मात दे चुके हैं। केरल के वित्त मंत्री डॉक्टर टीएम थॉम्स इसाक वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें यहां मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह संक्रमण से पीड़ित होने वाले राज्य के पहले कैबिनेट मंत्री हैं। अधिकारी ने बताया कि अन्य सभी कर्मचारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि केरल में 24 घंटे में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,082 लोगों में जानलेवा संक्रमण की पुष्टि हुई है। जम्मू कश्मीर में वायरस संक्रमण के 1,316 नए मामले सामने और 14 और मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद संघ शासित प्रदेश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 43,557 पर पहुंच गई है। मृतकों की संख्या 784 हो गई है। 24 घंटे में संक्रमण के 1,000 से अधिक नए मामले चौथी बार सामने आए हैं। प्रदेश में एक दिन में सामने आने वाले मामलों की यह सर्वाधिक संख्या है। जम्मू कश्मीर में अब 10,446 मरीज उपचाराधीन है, जबकि 32,327 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की एंटीजन जांच रिपोर्ट में वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कैबिनेट मंत्री कौशिक एक संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण शनिवार से ही होम क्वारंटाइन में थे और जांच रिपोर्ट के आने के बाद उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती होने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के बेटे और एक भतीजी वायरस से संक्रमित होने पर अपने स्टाफ के सदस्यों समेत अगले कुछ दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में चले गए हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में तैनात कुल पुलिस कर्मियों में से 145 वायरस से संक्रमित हुए हैं। उनमें से 75% ठीक हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया कि जिले में अभी 34 पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस के नोडल अधिकारी अंकुर अग्रवाल ने कहा कि अब तक जिले में 145 पुलिस कर्मियों की जाँच में वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। उनमें से 110 ठीक हो चुके हैं और 34 पुलिस कर्मियों का इलाज चल रहा है, जबकि एक की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 72 दिन में वायरस संक्रमण के एक दिन में सर्वाधिक 3,256 नए मामले सामने आने के बाद मामलों की कुल संख्या 1,91,499 पर पहुंच गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 29 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 4,567 पर पहुंच गई है। 26 जून के बाद से पहली बार दिल्ली में संक्रमण के मामलों की संख्या एक दिन में 3,000 के पार चली गई है। इस समय 20,909 मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे ज्यादा 23,350 लोगों में वायरस का संक्रमण पाया गया है, जिसके बाद राज्य में कुल मामले 9,07,212 के पार चले गए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि 328 संक्रमितों की मौत के बाद महाराष्ट्र में मृतकों की संख्या 26,604 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अस्पताल से छुट्टी पाने वाले मरीजों की संख्या 6,44,400 है, जबकि 2,35,857 मरीज संक्रमण का इलाज करवा रहे हैं। महामारी काल में अपने घरों को लौट रहे लोगों को अब वेटिंग टिकट होने पर भी सीट मिल सकेगी। इंडियन रेलवे ने लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों की समस्या का समाधान करने का फैसला किया है। इस फैसले से 1 से 1.5 महीने की चल रही वेटिंग लिस्ट से लोगों को निजात मिल पाएगी और यात्री आराम से कन्फर्म बर्थ पर यात्रा कर पाएंगे। इसके लिए इंडियन रेलवे क्लोन ट्रेन चलाने जा रही है और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने 12 सितंबर से चलने वाली 80 नई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा के साथ ही क्लोन ट्रेनों को चलाने का भी ऐलान किया है। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।